क्वेटा की हजारा बरादरी के सबूत मोहम्मद मूसा खान एक जवान से जर्नैल और अफवाजे पाकिस्तान के सिपा सालार कैसे बने, दुश्मन से मुकाबला करने वाले जनरल मोहम्मद मूसा खान को कैसे एक शब जिन्नात और भूत प्रेतों से लड़ना पड़ा, 1965 की जंग के दौरान पाक फौज की कमान संभालने वाले जनरल मोहम्मद मूसा खान ने दुश्मन भारत को बदतरीन शिकस्त दी और तब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक तमाम अस्पताल जख्मी भारतीय फौजियों से भर चुके थे। फौज से रिटायरमेंट के बाद जनरल मूसा किन अहम ओहदों पर काम करते रहे, वफात के बाद जनरल मूसा खान को पाकिस्तान की बजाय ईरान के शहर मशहद में क्यों दफन किया गया, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के हीरो पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान हजारा की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं अथरू बरसा। इससे पहले के वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये साल था 1890 का और अफगानिस्तान पर अमीर अब्दुलरहमान खान हुकूमत कर रहे थे। अमीर अब्दुलरहमान के दौर में अफगानिस्तान में आबाद शिया हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी होने लगी तो सरदार यजदान खान हज़ारा कई ख़ानदानों के साथ छुपते छुपाते ब्रिटिश बलूचिस्तान आ गए। यहाँ वो अपने अजीज़ा वकारिब के हमराह क्वेटा शहर में रहने लगे। आज से 113 साल कबल 20 अक्टूबर 1908 के रोज़ क्वेटा में यजदान खान हज़ारा के घर में पहले बेटे ने आँख खोली। बच्चे का नाम मोहम्मद मूसा रखा गया। मूसा खान ने मैट्रिक तक की तालीम सिंडेमन हाई स्कूल में हासिल की। 1926 में अपने वालिद की ख्वाहिश पर वो हज़ारा पायनियर्स में भर्ती हो गए जहाँ उनकी महाना तनख्वाह 18 रुपये थी। नौजवान मूसा खान उन दिनों में ज़ोब बलोचिस्तान की तपती गर्मी में जिस्मानी मुशक्क़त किया करते। वो ख़ुद बताया करते थे कि मैं बेलचा और कुद्दाल से पहाड़ों पर मेहनत किया करता था तो मेरे हाथों पर छाले बन जाया करते और कभी काम इतना सख्त जान होता था कि मेरे हाथों से लहू बहने लगता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें साल 1935 में देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से फौजी ट्रेनिंग लेने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। 1936 से 38 के दौरान वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ तो मूसा खान ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि दूसरी जंग अजीम के वक्त उन्होंने बर्मा के अलावा शुमाली अफ्रीका के महाज पर ड्यूटी दी। मोहम्मद मूसा खान की बेमिसाल अस्करी खिदमात को सराहते हुए ताज बरतानिया ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा। बतौर जवान फौज में भर्ती होने वाला मोहम्मद मूसा खान लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गया। 1942 में उन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की मिली। आज़ादी के वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंच चुके थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अब वाज़े पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। 1951 में मेजर जनरल मोहम्मद मूसा खान की पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान हुई। अपने फौजी करियर के दौरान वो इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन समेत दुनिया की कई जामियात से वॉर स्ट्रेटजीज़ की तरबियत लेते रहे। अर्ली 50s में जब चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे, उस दौरान मोहम्मद मूसा खान कराची में CGS तायुनात हुए तो चौधरी साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि आपको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ है मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ और मेरे वाले बंगले में आप रहने लगें। ऐसा बताया जाता है कि चौधरी मोहम्मद अली के बंगले में जिन्नात और भूत प्रेत का साया था और रात को गैर मरई मखलूक सहन में चलती दिखाई देती और चीखों की आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थीं। मेजर जनरल मूसा खान ने चौधरी मोहम्मद अली की बात तो मान ली, लेकिन उस आसेब ज़दा बंगले में शिफ्ट होना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी बुज़ुर्ग को बुलवाकर 3 दिन तक दम दरूद और चिल्ला करवाया और जब जिन्नात भाग गए तो वो उस घर में शिफ्ट हो गए। 1958 में कैपिटल सिटी कराची में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी जुलूस को रोकने के लिए सिविल हुकूमत ने फ़ौज को मदद के लिए तलब किया। तब जनरल मूसा जनरल ऑफिसर कमांडिंग कराची हुआ करते थे। इस मौके पर एक अखबारी नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि क्या आप इन हालात पर काबू पाने और अमनो आमा के क़याम के लिए एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाएंगे, तो जनरल मूसा ने जवाब दिया, हम अपने भाइयों को हलाक नहीं कर सकते।
1958 में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और वो खुद सदर पाकिस्तान बन बैठे। अयूब खान ने नए आर्मी चीफ के लिए नज़र दौड़ाई तो 5 नाम सामने आए, जिनमें मेजर जनरल हबीबुल्ला खान खटक, मेजर जनरल नवाब शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफ खान, मेजर जनरल आदम खान और मोहम्मद मूसा खान शामिल थे। चूँकि अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे, यही वजह थी कि अक्टूबर 1958 में उन्होंने सीनियर अफसरान पर मूसा खान को तरजीह देते हुए मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की देकर कमांडर इन चीफ बना दिया। पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान अगले 6 बरस तक अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालते रहे और जून 1966 में रिटायर हुए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मूसा खान के जनेवर में 65 की पाक भारत जंग हुई थी, जिसमें हमारे दुश्मन को जिलत आमेज शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा। 65 की जंग के बारे में आपने सुना होगा कि भारतीय अफसरान ने यह दावा किया था कि हम नाश्ता लाहौर के जिम खाना में करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे जवानों का अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़ी फौज से मुकाबला था। चविंडा के मुकाम पर ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें भारत की तरफ से 1.5 लाख आर्मी और 225 टैंक थे, जबकि इस मुकाबले में हमारे फौजी जवान और टैंक बहुत कम थे। जनरल मूसा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कयामत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस दिन चविंडा का महाज एक कयामत का मंज़र पेश कर रहा था। खैर, जनरल मूसा खान की वलवला अंगेज क़यादत में पाक फ़ौज के पुरअज़म जवानों ने चविंडा के मुकाम पर भारत को टैंकों की लड़ाई में तारीखी शिकस्त दी। आप इस तस्वीर में भारतीय इलाके खेमकरन का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, जहां पाक फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था और जनरल मूसा अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां बात करते नज़र आ रहे हैं। 65 की जंग के सिपहसालार जनरल मोहम्मद मूसा खान को उनकी जंगी खिदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज और हिलाले जुरत के मेडल से नवाजा गया। सितंबर 1966 में अयूब खान के करीबी समझे जाने वाले मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग ने गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, तो अयूब खान ने जनरल मूसा को गवर्नर बना दिया और वो तकरीबन 1.5 साल तक अपनी खिदमात देते रहे। सकूते ढाका के बाद वो कराची शहर में सेटल्ड हो गए और अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारने लगे। 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज करते हुए जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया और वो खुद सदर पाकिस्तान बन गए, तो उन्होंने जनरल मूसा खान को बलोचिस्तान की गवर्नरशिप की ऑफ़र की, जिसे मूसा खान ने कबूल कर लिया। उन्होंने 1985 में बतौर गवर्नर बलोचिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया। बतौर गवर्नर बलोचिस्तान वो अक्सर बग़ैर सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स के कोयटा शहर में वाक़ हज़ारा कब्रिस्तान बाकायदगी से आया करते, जहां वो अपनी मरहूमा बेगम की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद चले जाते। जनरल मूसा खान के बारे में मशहूर था कि उनके दौर में गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में बहुत कम खर्चा हुआ करता था और वो हर साल गवर्नर हाउस के बजट से करोड़ों रुपए बचाकर कौमी ख़जाने में वापस कर दिया करते। 12 मार्च 1991 के रोज़ सरकारी टेलीविज़न PTV पर ये खबर चली कि गवर्नर बलूचिस्तान जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मूसा खान 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की वसीयत के मुताबिक उन्हें ईरान के शहर मशहद में वाक़ हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में आसूदाए खाक किया गया। जनरल मूसा खान की निजी ज़िंदगी को डिस्कस करें तो 1927 में उनकी शादी अपनी कज़न खानम गुल शाह से हुई। 3 बेटे और 3 ही बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम बिलतरतीब इस्माइल मूसा, इब्राहिम मूसा, हसन मूसा, अज़रा मूसा, मरियम मूसा और जैनब मूसा हैं। याद रहे कि उनकी साहबजादी अज़रा मूसा की शादी एयर मार्शल रिटायर्ड शरबत अली चंगेज़ी से हुई। कोयटा की हज़ारा शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल मोहम्मद मूसा खान ने 1965 की पाक भारत जंग के हालात वाक़यात को कलमबंद करते हुए माय वर्जन के नाम से किताब तहरीर की, जबकि उन्होंने अपनी खुद नविश जवान टू जनरल के नाम से लिखी। इस किताब के मुताबिक जब वो पाकिस्तान में मुसल्ला अफवाज के सरबराह बने तो उस वक्त उनका ससुराल अफगानिस्तान में मुकीम था, जहां उन्हें मेरे रिश्तेदार होने की सज़ा दी गई। 1961 में अफगान हुकूमत ने मेरे ससुर और बरदर नस्बती को बग़ैर किसी जुर्म के उठवा कर जेल में क़ैद कर दिया। उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि मेरे ससुर जेल ही में मर गए।
چند سال بعد میرے برادر نسبتی کو رہائی ملی جو افغانستان میں انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا اور پھر مجبور ہو کر پاکستان آ نکلا۔ 1975 میں میرا داماد ایئر مارشل ریٹائرڈ شربت علی چنگیزی کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں تعینات ہوا۔ میری اہلیہ اپنی بیٹی کے ساتھ افغانستان گئی اور اس نے اپنے باپ کی قبر ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ آج تک میری بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے والد یعنی میرے سسر کہاں دفن ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، افواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جنرل راحیل شریف، جنرل حمید گل، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جنرل آغا محمد یحیٰ خان، ایم ایم عالم، جنرل ٹکا خان، عاصم سلیم باجوا، جنرل پرویز مشرف، جنرل آصف نواز جنجوا، ارشد سمیع خان، جنرل شیر علی خان پٹودی اور جنرل غلام جیلانی خان پر ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلے لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ہزارہ برادری کے 10 مشہور پاکستانیوں کو جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور منظور پشتین کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔